चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम के बारे में, जहां गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। बारिश ने प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है। रायपुर में आज भी बादल के जो आसार हैं वो व्यक्त किए जा रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी की फिर रुख करते हैं संवाददाता करिश्मा की ओर। करिश्मा, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को लेकर अब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी मौसम विभाग की ओर से? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने आज ही ये जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बड़ी संभावना है कि रायपुर राजधानी में भी जो है शाम तक वर्षा हो। बीते दिन हमने देखा कि लगातार छत्तीसगढ़ के कई ऐसे क्षेत्र थे, कई ऐसे जिले थे जहां पर लगातार छिटपुट बारिश हो रही थी, और अब मौसम विभाग ने भी ये जानकारी दी है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने वाला है। ठंड के मौसम में इस तरीके से बरसात होना एक प्रकार से स्वास्थ्य पर भी बड़ा असर देती है। साथ ही में अगर तापमान की बात करते हैं तो फिलहाल न्यूनतम तापमान से अगले 24 घंटे के लिए विशेष परिवर्तन नहीं रहने वाला है। कल से 2 दिनों तक जो है तापमान में कोई गिरावट नहीं होने की यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही में एक दो जगह पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी आशंका जताई जा रही है। रायपुर राजधानी का अधिकतम तापमान अभी 28 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस अभी चल रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्व अनुमान लगाकर ये बताया था बारिश जो है प्रदेश में होने वाली है, जिससे लेकर के धान खरीदी की जो प्रक्रिया भी चल रही है छत्तीसगढ़ में, उसे लेकर के भी धान खरीदी केंद्रों में जो है विशेष तरीके से जितने भी कैंप है और जो भी शेड होते हैं उन्हें भी लगातार बनाया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ करिश्मा, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बताते छत्तीसगढ़ में पश्चिमी चक्रवात का असर बना हुआ है, जिसके चलते आज प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जो है व्यक्त की जा रही है। 4 जिलों को लेकर येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है।